अब खा के देखेंगे पहले फिर बताएंगे। हाँ भाई यार चटनी बोलते हैं, चटनी बनवा रहे बनवा लो। मजा आ गया भाई आज तो, वीआईपी खा लिया। अरे भाई आप लोग अभी तक यहीं बैठे हैं, ये ब्लॉग का अख्तितम है, यहाँ पे ब्लॉग एंड हो गया, ख़त्म हो गया। हम आपको शाबा कटो बोलने आए थे और आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गलत बात। वापसी जाएं रिवाइंड करें ब्लॉग, बल्कि आप क्या करेंगे मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको जिन जिनके तालीम इदारे वगैरह सब खुल गए उन लोगों को सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद देता हूँ कि भाई अब पढ़ लो, अब कोई मौका नहीं रह गया, अब कोई टाइम नहीं रह गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। नहीं भाई अब ये देने हैं, क्योंकि अब तो कंपलसरी वाले हटा दिए हैं, तो सिर्फ ऑप्शनल देने। जैसे कि अगर कोई प्री इंजीनियरिंग में, तो वो फिजिक्स का देगा, केमिस्ट्री का देगा, मैथ्स का देगा, दैट्स इट। बाकी तीन जो थे इंग्लिश उर्दू इस्लामियात वो सारे कट गए, अब बस आपको यही तीन देने हैं और इन तीन की तैयारी हो रही है। तो आज 7 जून है, आज से सब खुल गया है, सारे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ने में लग जाओ, अब सारी ख़त्म कर दो अपनी। तो भाई अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और ओएस मेरे पास लेने आ रहा है मुझे, मैं ओएस के साथ ज़रा जा रहा हूँ। ओएस आ जाता है फिर हम आपको बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेश हुआ था, क्योंकि अभी मैं बाहर से आया था, तो अभी उसका फ़ोन आया, हमारी असल में बातें वगैरह चल रही थी, उसने कहा ज़रा आओ ज़रा तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो, हम भी फारिग हैं वो भी फारिग है, तो चलो। हाँ तो भाई ये लोग आ गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और ओएस भाई क्या हाल है? कहाँ लेके जा रहे हो यार? अभी चल रहे हैं हम लोग बिस्को बेकरी। हाँ वहाँ पे बड़े जबरदस्त चिप्स मिलते हैं, होते सिंपल है मगर टेस्ट में बड़े मजे के होते हैं। तो हारून भाई अपनी गाड़ी लाए आज, हारून भाई पहली बार, और अभी हमजा का इंतजार। तो अभी भाई अभी हमजा आ रहा है, मैं हूँ, हारून है और ओएस है। तो मुझे आपको मैंने आपको बताया थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने ओएस को फोन करा, तो भाई क्या सीन है? ओएस ने कहा चलो भाई चलते हैं सीन बनाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम डिस्को, है ना? डिस्को जा रहे हैं ना, फ्राइज खाने। तो चलते हैं देखते हैं फिर क्या सीन है। बंदी कर दिया अबे, नहीं कर यार ये नहीं चलाओ यार, पेट्रोल की लाइन में लगे मैं, और इन्होंने ये देखे कौन सा गाना चला दिया। आगे पीछे तो देखो, हाँ तो भाई ये साहब होते हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका सर? फैजल भाई होते हैं यहाँ पे, और इनका बड़ा सुना है मैंने, मैं सुनकर आया हूँ ऐसे आपका कि बड़ा अच्छा आपका टेस्ट वगैरह होता है। तो ये बता दें ज़रा किस तरह पे आपका सब कुछ, कहाँ लगाते हैं आप? कहाँ पे? हाँ सही सही। तो अगर किसी को आना है तो भाई इनके पास आ जाना, बड़ा मैंने सुना है इनका टेस्ट वगैरह, और अभी खा के देखते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको कैसा है, सही है? हाँ तो भाई गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी हम आ गए हैं, और ये आपको हमारे सामने सुना है बड़ा फेमस है, और ओएस ने भी बड़ा बताया कि भाई बड़ा अच्छा यहाँ का टेस्ट होता है, तो अब खा के देखेंगे पहले फिर बताएंगे। हाँ भाई यार चटनी बोलते हैं, चटनी बनवा रहे बनवा लो। हाँ भाई बताओ कैसा है, क्या लग रहा है टेस्ट कैसा है? ओएस आपने भी ले लिया? हाँ इसका क्या है, इसमें सैलेड भी चलता है? ये सैलेड डलवाइए पहली बार। अच्छा उन्होंने हमें सजेस्ट करा था यहाँ के खाना अच्छे अच्छे चलते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं, चेक करते हैं, भूख तो लग रही थी, आप देखते हैं क्या सीन है। तो भाई ड्राइवर चेंज हो गया है और अब ओएस चला रहे गाड़ी। हाँ भाई ओएस सही खाबा करा दिया आपने ना, वीआईपी मजा आ गया। हाँ तो भाई देख लिया ये था, बड़ा मजा आया, बड़ा वीआईपी प्राइस था भाई, हमें पता नहीं था कि इतने अच्छे प्राइस भी मिलते हैं, मतलब फुल सैलेड वेलेड दबा के वो मसाला सारा गेम था मसाले का, वीआईपी। अगर आप लोगों को भी ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुलशन इकबाल जिसको बेकरी के बिल्कुल सीधा जाते हैं तो दौराजी रंगून वाला लगता है, वो वाला दौराजी नहीं ये वाला दौराजी रंगून वाला, तो उसी को आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो बिल्कुल फूड स्ट्रीट की पट्टी आ जाएगी, वहाँ पे आपको मिलेंगे फैजल भाई, लाल कलर का उनका होगा ठेला, तो वहाँ से आपको बोलना है कि भाई यहाँ से मुझे करा दो फ्राइज़, 50 रुपये से लेके 180 रुपये तक का डब्बा मिलता है वीआईपी, बड़ा मसाला सारा डाल के सैलेड वैलेड पे फुल घुमा घुमा के वो देते हैं, बड़ा वीआईपी किस्म का होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मैंने भी ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कंसिस्टेंसी ब्लॉग की पसंद आएगी, कितना तुम्हारा भाई कंसिस्टेंट चल रहा है, मतलब
फुल ख्याल रखना है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, मुझे खुद यकीन है इसके ऊपर। लेकिन जब तक है तब तक आप भी मज़े लीजिए और मैं भी अपना ब्लॉग का कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। शाबा बैठो दादा, दादा गिरी। Show me the